गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में बीजेपी पहले की तरह बहुमत से सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि वो भी यूपी चुनाव में प्रचार करेंगे। उन्होंने समर्पण निधि अभियान को लेकर सवाल खड़े करने पर कांग्रेस को घेरा तो कमलनाथ के विभाजन वाले बयान पर भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मैं हर चुनाव के परिणाम के पहले कहता हूं कि जब परिणाम आए तो मेरी इस बात को कोट करके मुझसे बात जरूर करना। कोई कहीं से कोई गुरेज नहीं, शंका नहीं, शुभा नहीं, सरकार बन रही है। बुंदेलखंड के इलाके में जाने का कहा गया है और मैं जाऊंगा भी। अब मैं दतिया तो आज ही चला जाऊंगा, मतलब बुंदेलखंड तो आज ही पहुंच जाऊंगा और दतिया से झांसू की दूरी 15 मिनट की है, रोज ही जाऊंगा। साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीबत सबकी जानी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो कांग्रेस को जो टेरर टेस नजर आता है वो शायद उन्हीं में से किसी क्रम में से होगा। श्रद्धेय दीनदयाल जी का शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र की आराधना में बीता है। अंत के व्यक्ति के उदय की कल्पना अंत्योदय के माध्यम से श्रद्धेय दीनदयाल जी ने दी। उन्हीं के अनुयायी ठाकरे जी की स्मृति में ये वर्ष है जिसका जीवन पूरा भारत माता को समर्पित रहा होगा। उसके लिए समर्पण निधि कार्यकर्ताओं की दृष्टि से बहुत छोटी बात है और उसे आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब जिन कमलनाथ जी ने कांग्रेस के गुरिये गुरिये तोड़ दिए हों, वो कमलनाथ जी अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ जोड़ खोल दिया उनने कांग्रेस का। इस कांग्रेस के टुकड़े हजार किए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं आदरणीय हमारे अरुण भैया, राहुल भैया। घर बिठा दिए, फिर घर घर चलो अभियान चला के और जाने कितने घर बिठा ले देते हैं। कोरोना के संपूर्ण प्रदेश के अंदर 2612 नए प्रकरण आए, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 5995 लोग हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर 26179 वर्तमान में बचे हैं। कोरोना भले घटते क्रम में हो पर सरकार पूरी चैतन्यता के साथ में सैंपल में अभी भी कोई कमी नहीं कर रही है। हमारे पुलिस के जो पुलिसकर्मी संक्रमित एक्टिव केस हैं वो 576 हैं और पिछले 24 घंटे में 9 लोग हमारे संक्रमित आए हैं। भारतीय